हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज देखो, हम तिलकुटनी का व्रत किया था, चौथ का ही, शकर चौथ बोलते हैं इसको। और मैंने मायके में ही किया था क्योंकि मैं मायके में आई हुई थी, बच्चों की छुट्टियां चल रही थी और ये मेरा तीसरा ब्लॉक है मायके में। और हम सब कहानी सुन रहे थे यहाँ पे धूप में बैठ के ही, कि हमारे मकानों का काम चल रहा था तो हम वहीं धूप में बैठ के ही कहानी सुन रहे थे। तो ठंड का मौसम है तो धूप बहुत अच्छी लगती है, तो सभी बैठ के कहानी सुन रहे थे आराम से, सारे ही परिवार में मिलके। मेरी बीच वाली भाभी गाँव गई हुई थी और दोनों भाभी यहीं थी, बच्चे भी यहीं थे, सारे ही बैठे हुए आराम से। और बच्चे की थोड़ी बहुत आदत होती है शरारत करने की, और ये चौथ माता बनाना भूल गए थे, तो अब छोटी भाभी चौथ माता का ये बना रही थी क्योंकि हमारे पट्टे पे मनाई जाती है ये, तो इसको बना रही थी छोटी भाभी। और माँ हमारी कहानी सुना रही थी, और बच्चे देख रहे थे मामी क्या कर रही है क्या कर रही है, तो बच्चे को गौर से देख रहे थे। और ये पट्टे को सीधा करके रख देंगे और बड़े ही सुनाते हैं हमारे घर में कहानी, ऐसी रीति रिवाज हो जाती है, तो माँ ही सुना रही थी। माँ ही हमारे घर में सबसे बड़ी हैं तो वो ही सुना रही थी, और उनको थोड़ी अच्छे से सुनानी भी आती है कहानी वगैरह। और मम्मी बैठी हैं साथ में, और दोनों भाभियाँ हैं, दोनों तीनों चारों बच्चे बैठे हैं। और ये बोला जाता है कि ये व्रत भाई के लिए और बच्चों के लिए ही रखा जाता है शकर चौथ। ये बहुत लंबा व्रत हो जाता है वैसे तो, तिलकुट इसमें मतलब तिल भी कूटे जाते हैं इस व्रत में, और इसे तिलकुटनी का व्रत भी बोलते हैं। मतलब कहीं कहीं पे कहीं कहीं शकर चौथ बोलते हैं, कहीं पर अलग अलग भाषाएं होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो सब अपने रीति रिवाज से ही करते हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति रिवाज से ही मनाई जाती है सब चीज़ें, मतलब कुछ भी फर्क नहीं है मायके पियर ससुराल में, हमारे सेम ही होता है, वहाँ भी ऐसे ही रीति रिवाज है, यहाँ पर भी ऐसे ही रीति रिवाज है हमारे। और इसमें तो कहानियाँ सुनी जाती हैं, एक तो चौथ माता की और एक गणेश जी की, तो दोनों कहानी ही माँ सुना रही थी, पहले चौथ माता की फिर उसके बाद गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ। और यहाँ पे कहानी तो हो गई थी कंप्लीट चौथ माता की, और उसके बाद अब सुनाएंगी गणेश जी की कहानी, क्योंकि कोई भी काम में बिगर गणेश जी के नाम लिए पूरा नहीं होता है, तो इसीलिए गणेश जी की कहानी सुनाएंगी अब। और ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो अभी सभी अपने भाई संभल के रहो, सेफ्टी से रहो, बी बेस्ट है, इसलिए हम तो ज़्यादा से ज़्यादा धूप लेते हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा धूप लो और बच्चों को भी अच्छे से वही धूप में रखो। और ये हमारी दोनों ही कहानियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, अब गणेश जी की कहानी चल रही है। कहानी ज़्यादा लंबी होने के कारण मैंने इसकी मतलब थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी, और हमारी नायरा ने पूरी वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं तो कहानी में सुन रही थी, तो नायरा ही बना रही थी, मम्मा आज मैं बनाऊंगी, मैं बना लो आप बना लो बेटा,
नायरा भी अच्छी बनाती है वीडियो तो नहीं है। और ये अब हमारी कहानी हो चुकी थी कंप्लीट। तो अब हम सूरज जी को पानी देंगे। ये रिवाज ही है कि कहानी कंप्लीट होने के बाद सूरज जी को पानी अर्घ दिया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है। तो अब हम सूरज जी को पानी चढ़ाएंगे। और कहानी के दाने मैंने अपने पल्लू में ही बांध लिए थे। और हमारे जस्ट बाहर निकलते ही धूप सूरज जी का वो था, तो वही हम पानी वगैरह सभी चढ़ाएंगे, साथ ही रख देंगे शाम को भी। और क्योंकि मकानों का काम चल रहा था तो सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही हैं। तो और हम सारे जने मिलकर एक साथ ही सूरज जी को पानी देंगे। और भाभियाँ धूप खा रही थी यहाँ पे, और मम्मी के भी खा रही थी, और ये बड़ी भाभी थी हमारी, मतलब नते में मैं, वैसे तो भाभी बड़ी है हमारी, वैसे मैं नता भी तो होता है ना भाण बेटे वाला। और अब छोटी भाभी मम्मी के धूप वगैरह खा रही थी यहाँ पे। और